हाय गाइस, मेरा नाम है प्रत्युष। और सामने जो है लेजेंड, आपको पता ही होगा 2001 में लॉन्च हुई थी। और ये है बजाज पल्सर 150 का सबसे चाहने वाला वेरिएंट। सबसे ज़्यादा लोगों को ये वाला जेनरेशन ही पसंद आया। इस जेनरेशन की क्रेज़ कुछ अलग ही थी यार। 220F कहे, 160 का है, 150 का है बजाज की पल्सर की। इस जेनरेशन की बात करूँ, अलग ही क्रेज़ है। और जल्द एक वीडियो आने वाला है, दोनों इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा। ये पुरानी वाली बजाज पल्सर 150 है और वो नई बजाज पल्सर P150 है। दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन किससे आगे है और कौन सी आपको अब लेनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि दोनों आपके पास अवेलेबल है अब। और दोनों में सिंगल डिस्क ड्यूअल डिस्क का ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्राइस डिफरेंस की बात करूँ तो इसमें और उसमें 2000 रुपये का डिफरेंस है। सो आपको क्या वो 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे के नया लुक लेना चाहिए, नया प्रोडक्ट लेना चाहिए, या पुराने लेजेंड को ही आपको घर फिर से वापस ले आना चाहिए? सो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है। आपको ड्यूअल डिस्क भी मिलता है। इसका प्राइस है 1,30,000 ऑन रोड गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ। फ्रंट में देखे थोड़ी आउटडेटेड आपको ज़रूर लग सकती है, बट मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये लुक। यहाँ पर आपको फुल हेलोजन सेटअप भी मिलता है। नए वाले में LED प्रोजेक्टर्स आ चुके हैं, बट ये हेलोजन भी काफ़ी अच्छा इसका थ्रो है। पायलट लैम्प्स आपको यहाँ पे हेलोजन के मिल जाते हैं। फुल हेलोजन सेटअप ही आपको यहाँ पे मिलता है। वाइजर्स भी आपको ब्लैक्ड आउट मिल जाएंगे। कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आता है, मड गार्ड रेड कलर इंसर्ट्स के साथ, विच लुक्स रियली गुड। टायर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 260mm के आपको यहाँ पे डिस्क मिल जाते हैं, और पीछे आपको 130mm के ड्रम्स मिल जाएंगे फॉर द सिंगल डिस्क वेरियंट। डुअल डिस्क में आपको 230mm के पीछे मिल जाते हैं। ये वाले पुरानी जनरेशन होने के बावजूद इसमें प्रोफाइल देख सकते हैं आप, 90x90x17। सिंगल डिस्क वाला जो हम नया वाला निकला है ना, इसमें 80 सेक्शन के है, इसमें आपको 90 सेक्शन के मिल रहे हैं। डिस्क ब्रेक यहाँ पे भी है, सिंगल चैनल ABS के साथ, रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक दो चीज़ों में डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेग गार्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंजन काउल यहाँ पे भी है, फाइबर का है, सिमिलर टू द न्यू जनरेशन 1। यहाँ पे भी आपको ऐसे एक मड गार्ड के लिए मिल जाता है। 165mm की सेम ग्राउंड क्लियरेंस नई वाली जैसी यहाँ पे भी आपको सेम मिलती है। डिफरेंस है इंजन में। ये जो इंजन है ना, काफ़ी ज़्यादा सालों तक इसने ड्यूटी निभाई है अपनी, बजाज की DTSI ट्विन स्पार्क वाली, आपको पता ही होगा। 149.8 cc का आपको यहाँ पे मिल जाता है। पावर और टॉर्क थोड़े कम है एज कम्पेयर टू द न्यू वन। 13.8 bhp ऑफ पावर और 13.6 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। उसमें आपको क्या मिलता है, 14.5 bhp ऑफ पावर। पावर बढ़ चुकी है काफ़ी, सो वो एक डिफरेंस है। इसमें थोड़े रिफाइनमेंट कमी लग सकती है आप एज कम्पेयर टू द न्यू वन, बट या फिर भी उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी रिफाइंड आपको इंजन मिल जाती थी। मेन स्टैंड है यहाँ पे, आपको ब्रेक लीवर मिलता है, थोड़ा रियर सेट है। एग्रेसिव बाइक की कहलाई जाती थी उस टाइम पे। यूथ की पहली पसंद होती थी 150 सेक्शन में पल्सर 150, अभी भी बहुत लोगों को पसंद है। फ्यूल टैंक बड़ा था, नए वाले में आपको 14 लीटर का मिलता है, यहाँ पे आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था। और यहाँ पे भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं पल्सर की, आपको 3D में ब्रांडिंग मिल जाती थी। यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क में स्प्लिट सीट मिलती थी, अब तो सिंगल डिस्क में आपको यहाँ पे सिंगल सीटी मिलती है। सॉफ्ट आपको सीट्स मिल जाती थी और काफ़ी बड़ी भी थी एक्चुअली सीट्स एज कम्पेयर टू द न्यू वन। और ये सब तो ऑलमोस्ट सिमिलर था। यहाँ पे क्लिप ऑन्स मिलते थे आपको सिंगल डिस्क में ही, डुअल डिस्क में भी आपको क्लिप ऑन्स ही मिलते थे। स्प्लिट ग्रैब लेस आपको मिल जाते थे इन द सिंगल डिस्क ओनली। सोच ही सकते इन्फ्लेशन में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। फ्रंट में भी मोनोशॉक्स आपको मिलते थे टेलीस्कोपिक, पीछे आपको यहाँ पे अलग लगेगा थोड़ा। यहाँ पे आपको ऐसे स्प्रिंग लोडेड मतलब गैस स्टर्स के साथ मिल जाता था आपको, गैस फिल्ड कैनिस्टर्स में। एक्चुअली ये ना, ये आपको ट्विन डिस्क वाला है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया अच्छे से, ये एक्चुअली ट्विन डिस्क वाला है। सो इसका प्राइस और इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम पड़ जाएगा। सिंगल डिस्क लेंगे तो 3000 रुपये सस्ती होती है, बट यहाँ पे विथ देख सकते हैं आप टायर्स की, कितनी ज़्यादा विथ है इन टायर्स की। प्रोफाइल देखिए ज़रा, 120x80x17 120 सेक्शन के है। इसके तो भाई कितने पतले हैं, 100 सेक्शन के टायर्स हैं इसमें। अच्छी आपको गैप भी मिल जाती है, साइलेंसर भी, वो डाउन अंडर बेली वेली वो कुछ नहीं है, नॉर्मल जो होता था, काफ़ी अच्छी साउंड करती थी ये। पीछे की टेल लाइट्स की बात करें, LEDs आपको मिल जाते थे उस टाइम के हिसाब से, LEDs आते थे इस बाइक में। इट वॉज़ वे अहेड ऑफ इस टाइम। आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते थे, यहाँ पे आपको मड गार्ड मिल जाएगा, सारी गार्ड है, ये सब ठीक है। यहाँ पे पिलियन के लिए रबराइज फुट पेग्स वो सब आपको मिल जाता है।
5 स्पीड का आपको गियरबॉक्स मिल जाता है, 1 डाउन 4 अप, वो सब तो ठीक ही है, साइड स्टैंड मेन स्टैंड वो सब है। ये तो आप अभी भी आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर तो लगेगा ही, डिस्प्ले ये सब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट या वो RVMs आपको नॉर्मल शेप के मिलते थे, किल स्विच मिल जाता था इंजन स्टार्ट करना हो, यहाँ पे हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे पास का बटन, क्लच थोड़ा हेवी था पहले, अब बहुत लाइट हो चुकी है। ये एक दो रिफाइनमेंट में ही चेंजेस है नए वाले जनरेशन में, और USB चार्जिंग वो सब कुछ नहीं था, तब के टाइम के हिसाब से ज़रूरत नहीं था, बट या ऐसा आपको कुछ डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे। अभी भी एनालॉग आपको टैकोमीटर मिलता है विच इज़ वेरी गुड, डिजिटल स्पीड डिस्प्ले होता है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, इसका वार्निंग आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो फ्यूल इकोनॉमी कितनी है आपकी वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, ओडोमीटर कितनी चल चुकी है, फ्यूल लेवल दिखाता रहता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इन्हें, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप वन में, ट्रिप टू में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी थी, ओडो कितनी चल चुकी है, ये सब आपको मिल जाता है। सिमिलर अब जो नई वाली है उसमें भी सिमिलर है, और यहाँ पे आपको चारों ओर कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाता था, यहाँ पे न्यूट्रल गियर पोजीशन है वो दिख जाता था, ABS का लाइट भी जलता रहता था। अब मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको ये कैसी साउंड करती है, अभी भी कितनी अच्छी लगती है, यहाँ पे देख ही सकते थे आपको हेलोजन फुल सेटअप मिलता था विच इज़ ओके, और ये वाला आपको यहाँ पे LEDs मिल जाते थे, सारे बैकलाइटेड स्विच आपको अभी भी मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, साउंड सुना देता हूँ आप लोगों को। साउंड आपने सुना होगा, थोड़ा आपको हार्श लग सकता है एज कम्पेयर टू द न्यू वन, बट या फिर भी काफ़ी अच्छी रिफाइंड इंजन मिलती थी, ओवर द ईयर्स ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो चुकी थी पहले से। सो या एक दुविधा तो है आपके पास, क्योंकि इसका डुअल डिस्क वेरिएंट और इसका सिंगल डिस्क वेरिएंट में प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, LED हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं नए वाले में, वो एक डिफरेंस है, एक दो चीज़ें वो तो मिलेंगी क्योंकि नया जनरेशन है वो आप देख सकते हैं, बट अगर आपको वो इमोशनल आप अगर आप इस जनरेशन के साथ वो कनेक्शन आपके पास है ना, तो आप शायद इसे ही ले ले इसे डिच करके। सो या मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।